किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में किसान परिवारों को पहले की तरह ही 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार जरूरी हो गया है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, पीएम किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रति वर्ष 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है। यह भुगतान लाभार्थियों के आधार सीड डेटा के आधार पर किया जाता है। फिलहाल आधार सीड की प्रक्रिया असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नहीं की जाती है। इस संबंध में इन राज्यों को 31 मार्च 2021 तक छूट दी गई है। महाराष्ट्र में पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों से धन की वसूली पर एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 11 मार्च को लगभग 78.37 करोड़ रुपए की वसूली की है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।